8 क्वेश्चन साइन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। हमने दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करा तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे साइन एक्स वाई का, साथ में डी अपॉन डी एक्स करेंगे वाई अपॉन एक्स का, और इक्वल टू में भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर का और एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई स्क्वायर का। तो यहाँ तो बॉक्स बनाया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन किस का बॉक्स का मतलब एक्स वाई का। यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई लिखा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई, और वाई की वजह से आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास है कॉस, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस एक्स वाई, ये प्रोडक्ट टूल लगेगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर है हमारे पास x के साथ dy वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस 2y के साथ dy बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर अकेला ही अपॉन में दिखाई दे रहा है तो इसे सेपरेट कर लेते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर और y अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ा ठीक सा लगेगा फिर। तो इधर है हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करी तो आया x के साथ cos एक्स वाई, cos एक्स वाई के साथ में dy वाई बाई डी एक्स, फिर y के साथ cos एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स के साथ dy वाई बाई डी एक्स, साथ में y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x, 2y और dy वाई बाई डी एक्स। अब सारे dy वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, इनको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आता है x cos xy और 1 अपॉन x प्लस 2y, और इन सब में था dy बाई डी एक्स तो उसे हमने ले लिया कॉमन इक्वल टू में। देखो x cos x प्लस y 1 अपॉन x और इसे उधर ले गए, अब उधर बचा हुआ है 2x प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई कॉस, हाँ ये भी है पहले से लिख लिया था, प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई कॉस एक्स वाई, इसे अपॉन में ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई अपॉन में एक्स कॉस एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस में टू वाई, ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो बन गया टू एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो बन जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस में एक्स और टू एक्स स्क्वायर वाई, और यही आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू।